नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दी एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। आरजेडी मिशन बंगाल के साथ अब मिशन आसाम पर भी काम कर रही है। जी हां, लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बीजेपी को मात देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने में जुट गई है। आरजेडी की ओर से किए गए दो वरिष्ठ नेताओं ने पिछले दो दिनों में प्रशांत किशोर और टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की और अब यही टीम आसाम जाएगी और आसाम में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के मुखिया बरुद्दीन अजमल से भी मुलाकात करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक का कहना है कि हमारी कोशिश यही है कि हर हाल में बंगाल और असम में होने वाले चुनाव में बीजेपी को परास्त मिले। बीजेपी को हराने के लिए जो मुमकिन होगा वो हम करेंगे। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से हमारी बात सकारात्मक रही है, अभी और बातें होनी है। हम इस पर मंथन कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में हम बीजेपी को कैसे परास्त करेंगे, उसके लिए किस तरह की रूपरेखा तैयार करनी है, इस पर हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। आरजेडी की एक कमेटी आज गुवाहाटी जाएगी। जी हम आपको बता दें कि कल यानी बुधवार को वहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात होनी है, उनके साथ बैठक होनी है। साथ ही एमओआई के प्रमुख बरुद्दीन अजमल से भी मुलाकात होनी है। यानी असम में भी लालू प्रसाद यादव की पार्टी एक नए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना चाहती है। पार्टी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने इस बारे में भी कहा है कि हमारी एक कोशिश है कि बीजेपी को उखाड़ फेंकने की, इसके लिए हमें जो भी करना होगा हम लोग करेंगे, हर मुमकिन कोशिश हम करेंगे ताकि पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और समर्थक बीजेपी को हराने के लिए बंगाल और असम में मिलकर काम कर सके। बताते चलें कि आरजेडी की कमेटी जिस पर बरुद्दीन अजमल से मुलाकात कर असम में अपने लिए जमीन तैयार करने की पहल कर रही है, वो बरुद्दीन अजमल असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के मुखिया हैं। इन्होंने 3 अक्टूबर 2005 को पार्टी की स्थापना की थी और इस पार्टी का मुख्यालय गुवाहाटी में है। फिलहाल असम में मुख्य विपक्षी पार्टी है और 2016 से विधानसभा चुनाव में इस पार्टी ने 13 सीटें जीती थी। असम में उन्हें 13% मत मिले थे। फिलहाल लालू प्रसाद यादव की पार्टी वहां पर इससे क्या बात करेगी और क्या गठबंधन नया होगा, इसको देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि जिस तरह से बंगाल की रूपरेखा जो है वो तैयार कर ली गई है और बस कुछ दिनों के बाद ही वहां पर चुनाव के तारीखों की भी घोषणा हो जाएगी, ऐसे में देखना है कि बिहार में जो भी जनाधार वाली पार्टी है, मजबूत पार्टी है, वो अब इन राज्यों में भी अपने कदम और अपने पैर जो है वो पसारने के लिए तैयार है। हालांकि देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी एक तरह से बजट को लेकर ये गेम खेल दिया है, चुनावी माहौल में बजट के तौर पर भी तमाम राज्यों को अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए गए हैं, ऐसे में जनता आखिर किस रुख को अख्तियार करती है ये आने वाला वक्त बताएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर अभी तक द एसडी न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। नमस्कार।